ये रोज की कितनी किलो बना लेते हैं बिरयानी आप लोग? पतीले का हिसाब है तकरीबन 25-30 पतीले के रहे, 25-30 पतीले रोज के डेली के। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, बिरयानी है ना तो ये हलीम के साथ जो दाल के जो जायका बन रहा है ना, बड़ा वी आई पी बन रहा है। के ऊपर बिरयानी डालने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जब मैं बिल्कुल छोटा था, जब से बिरयानी खाता हुआ आ रहा हूँ ये हर साल। मेरे वालिद साहब तो खैर बाद में लाए, पहले मेरे दादा लेके आते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल फिटफाट होंगे। आज मैं इसी तरह से एक नई जगह पे आ चुका हूँ, पान मंडी पे, जो कराची पे मौजूद है। पान मंडी ये रास्ता है और यहाँ पे बहुत ही मशहूर एक चीज़ मिलती है जो मैं आपको टेस्ट करवाने वाला हूँ। रमज़ान की सौगात है, आपने खाई भी होगी हलीम और एक बिरयानी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मगर इन दोनों को यहाँ पे मिक्सअप करके एक नई डिश बनाई जाती है, हलीम बिरयानी। तो आ जाए फिर इनका हम टेस्ट करें और इसका रिव्यू करें, आ जाए मेरे साथ। तो फिर आ जाओ मेरे साथ। एकदम रसीली बिरयानी है, ये बिरयानी बीफ की है और ये चिकन की है, ये भी बीफ का हलीम है और चिकन बीफ की बिरयानी। ओके, अच्छा सुने ज़ाफ़रान की बिरयानी होती है, ज़ाफ़रान तला हुआ होता है, ज़ाफ़रानी बिरयानी। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, अब खा के पता करेंगे किस तरह की है। सिटी कोर्ट वाली गली में, जमाने की सुनते हैं ये बहुत पुराना जगह है, इस जगह पे काफ़ी टाइम से लगती है, कम से कम 45-40 साल। अब ये लोगों से पता करते हैं कि लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ से आए हैं बिरयानी खाने के लिए, हलीम बिरयानी। तो आ जाए इन लोगों से पूछो, भाई बहन आप लोग कहाँ से आए हैं ये हलीम बिरयानी? आज कैंप से आए हैं, आज कैंप से, नाजमाबाद से, औरंगी टाउन से, वहाँ से लोग आ रहे हैं। तो आ जाए और लोगों से पूछते हैं, अब इनसे पूछते हैं कि इनकी बिरयानी कैसी है और हलीम कैसा है और ये कहाँ पे, इनसे पता करते हैं। हर साल रमजान में आते हैं खाने के लिए, बहुत अच्छी बिरयानी है, काफ़ी टाइम से खा रहे हैं, बार मंडी की बिरयानी है। हाँ बिल्कुल, ये तो है रमजानों में मिलती है, मगर इसका टेस्ट कैसा है, टेस्ट बताएंगे हम। बहुत अच्छा, तो नाजमाबाद से खासतौर पर खाने के लिए आए हैं। अच्छा नाजमाबाद से आए आप, ठीक है। आप लोगों का जनाब छोटा था, जब से बिरयानी खाता हुआ आ रहा हूँ ये हर साल। मेरे वालिद साहब तो खैर बाद में लाए, पहले मेरे दादा लेके आते थे। यार बिरयानी है ना तो ये हलीम के साथ जो दाल के जो जायका बन रहा है ना, बड़ा वी आई पी बन रहा है। हलीम के ऊपर बिरयानी डालने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा
ये चीजें ना सिर्फ रमजानों में मिलती है और पहली रमजान से लेके 30 रमजान तक की है। यहाँ पे आए, ये मेन पान मंडी पे जगह मौजूद है और आप इनकी हलीम बिरयानी के नाम से टाइमिंग है। टाइमिंग इनकी इफ्तार के बाद शुरू हो जाती है और ये सेहरी मतलब 3 बजे तक ये इनका सिलसिला चलता है। अच्छा, हलीम और बिरयानी हम लोग रेगुलर बेसिस पे रोज़ाना की बुनियाद पे हम लोग खाते रहते हैं, तो हलीम भी खाते हैं, बिरयानी भी खाते हैं, मगर इन दोनों को मिला के जब ये खाया जाता है ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बन जाता है। इनकी हलीम और बिरयानी खाइए, बहुत ही अच्छी लगी, तो अब इनसे पता करते हैं कि क्या चीज़ें असल में हम लोगों ने ना हलीम भी बछिया की रखी हुई और बिरयानी भी बछिया की दोनों बीच जी बछिया का है। ये पिछले तकरीबन तो हमको 4 साल से लगा रहे हैं, उससे पहले यहाँ कोई और लगा। हमारा बेसिकली तो काम जो है रोल का है, बर्गर का है। 12 महीने आपका वो काम है, सिर्फ रमजान की सौगात। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है, इनकी अलग अलग प्राइजेस पे, तो आप इनकी प्राइस बता देंगे क्या क्या है? सर, हलीम बिरयानी की प्लेट 250 रुपये की है और हलीम 200 रुपये की है। अच्छा, अगर मैं बिरयानी खाली खाना चाहूँ या हलीम खाना चाहूँ? जी सेपरेट हलीम आपको 150 की मिल जाएगी और आपको खाली बिरयानी लेंगे तो 250 की पड़ जाएगी बिरयानी। ओके, तो इंशाल्लाह फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मुझे चीज़ें इजाज़त, जज़ाकअल्लाह, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अगर ये यहाँ पे ये अगर फैमिली एरिया आना चाहे तो फैमिली की अलग सेपरेट जगह है, तो फैमिली के लिए भी रास्ता अलग से दिया हुआ है, तो फैमिली को भी आप लेके आ सकते हैं।